आई नो, मैं पिछले 6 महीनों से अपने चैनल पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था और मैंने पिछले 6 महीनों में एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, बट नाउ आई एम बैक और अब हर वीक एक वीडियो आएगी कन्फर्म्ड। तो कैसे यार हो, क्या हालचाल, स्वागत है सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बागी 3 मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में पूरे डिटेल में। लेकिन इस मूवी की स्टोरी को मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ यार, इसकी स्टोरी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। रॉनी का भाई किडनैप होता है और रॉनी उसे जाकर बचा लेता है, स्टोरी ख़त्म, बस इतनी ही स्टोरी है। बट स्टिल जो मूवी में दिखाया है मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर सको मूवी से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो एज यू नो, ये दोनों भाई हैं और रॉनी अपने बड़े भाई को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है, मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाता है कोई थोड़ा सा भी उसे कुछ बोल दे तो। और ये इन दोनों के पिताजी थे जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और एक दंगे में लोगों को बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। और वो मरने से पहले रॉनी को अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी दे करके जाते हैं कि पूरी लाइफ इसका ध्यान रखना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो दैट। ये विक्रम की वाइफ है और ये उसकी वाइफ की बहन है जिससे कि रॉनी प्यार करता है। ये रॉनी और विक्रम के पापा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनकी डेथ के बाद वही इन लोगों का ख्याल रखते हैं और वही इन लोगों को पालते हैं। और वो भी उनके साथ पुलिस में ही थे तो उनके सिफारिश पर विक्रम को एक जॉब मिल जाता है पुलिस ऑफिसर का। अब इन भाई साहब को सिफारिश पे जॉब तो मिल जाती है लेकिन जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसते हैं तो भाई साहब की पैंट गीली हो जाती है और तब आना पड़ता है रॉनी को। रॉनी आकर मारपीट करता है, बचाता है और सारा क्रेडिट ले जाते हैं विक्रम भैया। और ऐसे धीरे धीरे करके उनका एक बहुत ही अच्छा इमेज बन जाता है और काफ़ी सारे प्रमोशंस भी मिल जाते हैं और एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं ये मिस्टर विक्रम। लेकिन उससे क्या होता है, अभी भी किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाए तो रॉनी को ही उनकी मदद करने जानी पड़ती है। लेकिन इन सब में इन दोनों की टक्कर हो जाती है IPL से। नहीं, ये इंडियन प्रीमियर लीग वाली IPL नहीं है, महाशय जी का नाम IPL है। अब ये मिस्टर IPL करते क्या थे कि इंडिया से फैमिलीज को किडनैप करते थे और उन्हें सीरिया एक आतंकी संगठन के पास भेज देते थे जिसे कि फिल्म में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन दिखाया गया है जो कि इन फैमिलीज को ब्लैकमेल करता था और सुसाइड बॉम्बर बना करके दहशत फैलाने का काम करता था। सो एक बार IPL बहुत सारे फैमिलीज को किडनैप करके एक जगह रखा होता है और पुलिस को खबर लग जाती है इसकी और विक्रम जा करके उन सारी फैमिलीज़ को बचा लेता है, टाइगर के साथ जा करके उन फैमिलीज़ को बचा लेता है। और जब इसके बारे में IPL को पता चलता है तो IPL उसे सीरिया में बुलाता है किसी ऑफिशियल काम के बहाने से और वहाँ उसे किडनैप करवा लेता है। तो रॉनी अपने भाई को बचाने के लिए सीरिया जाता है और वहाँ जा करके IPL को उसकी औकात दिखाता है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है उस आतंकी संगठन में और किस तरह से उसका काम निकल जाने के बाद वे लोग ही उसके खुद के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो इन सब के बाद IPL इन सब के साथ मिल जाता है और उनके सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, इनके साथ मतलब शेयर कर देता है और उसकी हेल्प से रॉनी जाता है वहाँ पर, अटैक करता है और अपने भाई विक्रम के साथ साथ वहाँ पर और भी जितने इंडिया और बाकी देशों से लोगों को किडनैप करके रखा गया रहता है सभी को बचाता है और अपने अपने देश पहुँचा देता है। सो मेरा रिव्यू इस मूवी के बारे में ये है कि अगर आप भी मेरी तरह टाइगर श्रॉफ के एक तगड़े वाले फ़ैन हैं या फिर आपको इस तरह के एक्शन सीक्वेंस से जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है देखना पसंद है तो आप इस मूवी को डेफिनेटली देखें क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें भर भर कर इस मूवी में मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सीरियस लॉजिकल और दिमाग वाली मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, कम्प्लीट टाइम वेस्ट एंड मनी वेस्ट है, आप बिल्कुल रिग्रेट करोगे इस मूवी को देख करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।